आदाब नाज़रीन, पहली खबर में आप सबका इस्तकबाल और मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। और खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। कुलगाम जिले से यह खबर आ रही है। कुलगाम जिले के होरा गांव में एनकाउंटर हुआ है, एक मकामी मिलिटेंट को मार गिराया गया है। पहचान की कोशिश की जा रही है, असला और गोला बारूद भी बरामद किया जा चुका है। सर्च ऑपरेशन इस वक्त इलाके में पूरी तरह से जारी है। जम्मू पुलिस का एक एहलकार भी जख्मी बताया जा रहा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको आगाह करें कि कुलगाम जिले के होरा गांव में एनकाउंटर जारी है, एक मकामी मिलिटेंट को मार गिराया गया। पहचान की कोशिश की जा रही है, असला और गोला बारूद भी बरामद किया जा चुका है। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर इलाके में जारी है। जम्मू पुलिस के पुलिस का एक एहलकार भी जख्मी बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको आगाह करें, कुलगाम जिले के होरा गांव में एनकाउंटर इस वक्त जारी है, एक मकामी मिलिटेंट को मार गिराया गया। पहचान की अभी कोशिश की जा रही है। मिलिटेंट के से असला और गोला बारूद भी बरामद किया जा चुका है। सर्च ऑपरेशन जारी है। जो पुलिस का एक एहलकार भी जख्मी बताया जा रहा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको कुलगाम से यह बताई जा रही है। और इसी खबर में बराह रास्त हमारे साथ जहूर रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहूर, यह बताएगा कि एक पुलिस एहलकार के जख्मी होने की भी बात बताई जा रही है, पूरी तफसील आपसे चाहेंगे जहूर। बिल्कुल मनजा, मैं आपको बताऊं कि दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को जहूर आपको यहां पे सही करना चाहूंगी, आप यहां पर इंशा से बात कर रहे हैं, फौरन बाद मुहासरा किया गया। बिल्कुल इंशा, मैं आपको बताऊं कि ये जो हाउरा इलाका है, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि यहाँ मिलिटेंट छुपे हुए हैं, और इसके फौरन बाद पूरे इलाके को अपने मुहासरे में लिया गया। और इस दौरान एक झड़प शुरू हुई, और जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने ट्वीट में बताया कि एक मिलिटेंट मारा गया है जो मकामी है, और उसके साथ साथ एक पुलिस एहलकार भी इस एनकाउंटर में जो है वो जख्मी हुआ है। और कुल मिलाकर जो एनकाउंटर है, अभी चूंकि तलाशी कार्रवाई जो है वो जारी है, इलाके में सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे इलाके को। और मैं आपको इंशा बताऊं कि ओवरऑल जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। इब्तदाई मरहले में सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को अपनी तहवील में लिया था, लेकिन उसके फौरन बाद चूंकि एनकाउंटर शुरू हुआ, और एनकाउंटर के मुख्तसर एनकाउंटर के दौरान जो है एक मिलिटेंट मकामी मिलिटेंट जो है वो मारा गया है, जिसकी शिनाख्त अभी करना बाकी है, और रिकवरी वगैरह क्या हुई है वो भी उस बारे में भी पुलिस जल्द ही तफसीलात फराहम करेगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी अगर देखें हम तो इलाके में अभी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है ताकि, और लोगों को ये कहा गया कि वो एनकाउंटर साइट पे फिलहाल ना जाएं। और फिलहाल अगर इनसे हम बात करें इस हाउरा इलाके की, हाउरा कुलगाम इलाके की, तो पहले से ही काफ़ी जो है एक सेंसिटिव इलाका रहा है। और आज जहूर आपसे जानना चाहूंगी कि जहां जो एनकाउंटर की साइट है, वहां पे जो मकामी बाशिंदे हैं, जो उसके अतराफ में लोग मौजूद हैं, उनके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, चूंकि एनकाउंटर की साइट है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, जैसा कि एक प्रीवियस प्रैक्टिस रही है, पहले इलाके को सैनिटाइज किया जाता है, और जो एनकाउंटर साइट है उसको भी सैनिटाइज किया जाता है, और लोगों से अपील की गई है कि फिलहाल वो एनकाउंटर साइट पे ना जाएं। और चूंकि जो आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उन्हें से भी ये कहा गया है कि वो फिलहाल एनकाउंटर साइट पे ना जाएं। और चूंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि ये एक मुख्तसर एनकाउंटर था, और मुख्तसर एनकाउंटर में जो है एक मिलिटेंट मारा गया है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, एक पुलिस एहलकार भी इस एनकाउंटर में जो है वो अभी तक जख्मी हो गया है। कुल मिलाकर अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। मकामी लोगों का जहां तक ताल्लुक है, तो उनकी हिफाजत के लिए और उनको जो है उनकी सेफ्टी के लिए पहले ही प्रिकॉशंस लिए गए हैं। जी जहूर, ये बताया कि क्या बताया जा रहा है कि ये एनकाउंटर मुकम्मल तौर पर वहां पे खत्म हो चुका है, या अभी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि अभी इलाके में कुछ मिलिटेंटों की मौजूदगी है? बिल्कुल, अगर हम बात करें, एनकाउंटर फिलहाल अभी ख़त्म हो चुका है, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि रियासती पुलिस ने अपने ट्वीट में कहा है कि एक मिलिटेंट जो है इस एनकाउंटर में है, अभी तक जो है वो मारा गया है। और साथ में अगर हम पुलिस एहलकार की बात करें, पुलिस एहलकार भी इस जो है एनकाउंटर में जख्मी हो गया है। और
ये अभी तक तफसील जो है जो पुलिस ट्वीट के जरिए भी हमें मालूम हुई है, और कुल मिलाकर अभी जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है और पूरे इलाके को सैनिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस। तो इसका पूरा मतलब ये है कि अब एनकाउंटर मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है और इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको आगाह करें कि कुलगाम जिले के हावड़ा गांव में एनकाउंटर हुआ, एक मकामी मिलिटेंट को मार गिराया गया, पहचान अभी उसकी कोशिश की जा रही है और असला और गोला बारूद भी बरामद किया जा चुका है। और फिलवक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें कि इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, और साथ में दुखद की खबर यह भी है कि इस एनकाउंटर के दौरान जम्मू पुलिस का एक अहलकार जख्मी बताया जा रहा है। जहूर रिजवी, तमाम तर तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया।